तो गाइस गुड इवनिंग और आज का सो आपका लेक्चर होने वाला है क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 याद रखना चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ए80, तो एटम यानी एटम हम नहीं पढ़ रहे एटम चैप्टर का नाम है जिसको हम परमाणु कहते हैं ठीक है ना ये क्लास 12th के फिजिक्स का भौतिकी का चैप्टर नंबर 12 याद रखना चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है परमाणु यानी एटम्स जिसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने चैप्टर नंबर का इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये बस के लिए फिजिक्स फिजिक्स को आपको पांच कैटेगोरी में पढ़ना होता है पहला आपको आवेश यानी कि चार्ज के बारे में पढ़ना है फिर आपको करेंट के बारे में पढ़ना है फिर आपको चुंबक के बारे में पढ़ना है आवेश करेंट यानी कि धारा ठीक है ना आवेश मतलब चार्ज होता है ठीक है ना धारा मतलब करेंट होता है दो हो गया

क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको बता दे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दबा लेना है और यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है देखो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछेगा ठीक है ना आपसे पूछेगा कि प्रकाश के कण या अल्फा कण का का प्रयोग किसने दिया था रॉदर ने दिया था यह ऑब्जेक्टिव कल मैं पढ़ा रहा था तो यह क्वेश्चन आया था ठीक है ना याद रखना रॉदर का अल्फा कण प्रणन प्रयोग क्या है तो रॉदर फोर्ड द्वारा अल्फा कण जो प्रकिनित प्रयोग है वो क्या है बेसिकली इसी के बारे में हम बताने वाले हैं देखो रूड और उसके विद्यार्थियों ने क्या किया रदर और विद्यार्थियों ने सिंपल बात है क्या एक पतले स्वर्ण पत्र को एक पतले स्वर्ण पत्र से अल्फा कण को गुजारता है तो उससे बहुत सारा कंडीशन उसमें देखने को मिलता है जैसे कि आप कोई शीशा लेकर या कोई शीशा ले, ले लेते हो और यहाँ पे कोई प्रकाश आप आर प्रकाश जैसे टॉर्च बांटते हो या लेजर लाइट बांटते हो अब बहुत सारा लेजर लाइट को एक एक साथ बांटते हो ठीक है ना और वहां पे एक शीशा का कोई वस्तु रख देते हो तो कुछ देखोगे कुछ उसमें क्या होगा कुछ आर पार चल जाएगा कुछ टकरा कर वापस आ जाएगा कुछ इधर घूम जाएगा कुछ उधर घूम जाएगा मतलब बहुत सारा कंडीशन होगा उसी प्रकार से कहा कि तथा उसके विद्यार्थियों ने परमाणु के रहस्य को समझाने के लिए किसके परमाणु के रहस्य इसके जो भी रहस्य रहा ठीक है ना परमाणु के रहस्य को समझाने के लिए एक प्रयोग किया मतलब एक प्रयोग किया ठीक है ना जिसे हम लोग क्या कहते हैं अल्फा कण का पतले स्वर्ण पद से गुजारा जाता है प्रयोग में क्या किया प्रयोग किया ठीक है ना प्रयोग किया जिसमें अल्फा कणों को पतले स्वर्ण पद से गुजारा जाता है तो क्या होता है कंडीशन देखते हैं मैं दोस्त तो, सिंपल देखो यहाँ पे एक पतले स्वर्ण पत्र है ये ठीक है ना और इससे बहुत सारे अल्फा कण देखो यहाँ पे एक ये नाभिक है परमाणु का और बहुत सारा जितना इधर से जा रहा है सब क्या अल्फा है अल्फा कण है अल्फा कन गया देखो कुछ इधर आ डायरेक्ट सीधा चला गया देख सकते हो डायरेक्ट सीधा चला गया कुछ क्या हो गया अपने पथ से मुड़ गया देख सकते हो अपने पथ से कुछ मुड़ गया है ठीक है ना कुछ क्या हुआ डायरेक्ट गया लेकिन फिर वापस भाग गया उसी उसी दिशा में यानी कि सिंपल है कि कुछ अधिकतम यानी कि अधिकतम अल्फा कन पतले स्वर्ण पत्र को पार कर जाता है और कुछ लगभग आठ में से एक आठ में से एक अपने पथ या 90 डिग्री पर मुड़ जाता है पथ मतलब जैसे इधर से गया और टकरा कर जिसे गया इसी लाइट से और फिर वापस भी इसी पर आ गया यानी कि वापस भी चलाया इसी पर और बहुत कम ऐसा आठ हजार में से एक हुआ और फिर कोई कोई ऐसा हुआ कि गया तो इस तरह से और मुड़ गया पूरा नाइन्टी डिग्री पर ठीक है नाइन्टी डिग्री पर यह अब इसके लिए आठ हजार में से एक हुआ ठीक है ना चलो मैं इसका पॉइंट पढ़ने का प्रयास करता हूँ पॉइंट मेन है तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है क्या निष्कर्ष निकल के आया तो यहाँ पे प्रक्षेपण देखिए अधिकांश अल्फा कण पतले स्वर्ण पत्र को पार कर जाता है क्या पतले स्वर्ण पत्र से गुजरता है और तथा कुछ कण वन डिग्री पर मुड़ जाता है और वन डिग्री का मतलब उतना नहीं होता है वन डिग्री का मतलब सिंपल होता है ऐसे गया और थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होता है ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है लेकिन वन डिग्री से पता ही नहीं चलता इसलिए तो सिंपल बात है अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ पतले स्वर्ण पत्र को से गुजर जाता यानी पार कर जाता है और कुछ एक डिग्री कोण पर मुड़ता है सबसे पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या है बहुत कम मतलब बहुत नौ के बराबर बहुत कम यानी कि आठ हजार में से एक कितने आठ हजार में से एक अल्फा कण नाइनटी डिग्री के कोण पर विचलित हुए और कुछ कण अपने पथ पर वापस लौटे यानी कि मात्र आठ हजार में से एक ऐसे कण होते थे जो 90 नाइनटी डिग्री पर घूम जाता होगा या अपने पथ पर वापस लौट गया जिसे बताया जैसे कि यहाँ पे मेन नाभिक यहाँ पे है अब हो सकता है इसके सामने जो पड़ेगा जैसे यहाँ से गया इसके सामने पड़ेगा तो गया तो फिर टकरा फिर उसी पे भाग जाएगा हो सकता है कि ऐसे थोड़ा सा कर्व पड़ा इस पे कर्व इस पर ऐसे गया कर्व पड़ा बस इस टकरा कर फेंक दिया बाहर के जाओ यहाँ से हो सकता है यह मात्र आठ हजार कनों में से मात्र एक दो में ऐसा देखने को मिला ठीक है ना वही कहा गया अधिकांश अल्पाकन आर पार कर गया देखो आर पार हो गया और कुछ जो होता है एक डिग्री पर मुड़ गया उसके बाद आठ हजार में से एक बहुत कम आठ हजार में से एक अल्फा अल्फाकन क्या हुआ कहा समझना इस चीज को प्रल्फाकन के संख्या निम्नलिखित संबंध द्वारा दी जाती है यानी कि देखो आपको अल्फाकन जैसे डिग्री हुआ नाइन डिग्री हुआ यह जो कोण पर मुड़ा इसकी संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हो कहा पे थीटा कोण पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त की जाती है या दिया जाता है एक संबंध आपको है इन, इन थीटा जो होता है वन अपॉन साइन के पावर फोर ठीटापोन यह एक संबंध दिया गया संबंध क्या है मैं थोड़ा और संबंध को अच्छा से लिखने का प्रयास करता हूं देखिएगा इसका संबंध जो है एन एन थीटा बराबर वन बटा साइन के पावर फोर थीटा अपॉन टू थीटा अपॉन टू यह आपका संबंध दिया गया कब यहाँ थीटा कोण पर बिचले जो भी हमारा प्रकीर्णित अल्फा कण था उसकी संख्या निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त कर सकते हैं दर्शा सकते हैं तो यहाँ पे तीन पॉइंट था रदर फोर्ड का रदर फोर्ड का तीन पौंग तीन पॉइंट उन्होंने देखने को मिला इस पत्र से जब गुजारा गया ठीक है ना और यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला क्या अधिकांश अल्फा कण आर पर हो जाता है पत्र को बहुत कम में से एक नाइनटी डिग्री या उससे कम अपने पथ पर वापस लौटता है और ठीटा ठीटा कोण पर अल्फा कणों की संख्या निम्नलिखित संबंध के द्वारा दी जाती है ठीक है ना तो एन ठीटा प्रपोर्सनल वन अपॉन साइन साइन के पावर फोर थीटा वो टू ठीक है यह आपको एक फॉर्मूला दिया गया अगला आपको निष्कर्ष क्या निकला मेरे दोस्त निष्कर्ष इसका क्या है इसे इतना तो प्रयोग कर लिया तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है भाई इसके रहस्य को समझाना था परमाणु के रहस्य को तो इससे क्या हमको प्राप्त हुआ लाभ क्या हुआ भाई देखने के लिए देख लिया ऐसा हुआ लेकिन लाभ क्या प्राप्त हुआ चलो देखते हैं देखो अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए पतले स्वर्ण पत्र को पार कर गया इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली रहता है हाँ या ना निष्कर्ष तो यही निकला क्योंकि अधिकांश अल्फा कण के वह बिना घूमे उमे आर पार कर गया यानी कि देखो अधिकांश अल्फा कण सिंपल पार कर जाता है यानी कि अधिकांश अल्फा कण क्या हुआ पतले स्वर्ण पत्र को पार कर गया बिना विचलित हुए यानी कि सिंपल इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि परमाणु के अधिकतम भाग क्या है खाली है क्या है अधिकतम भाग खाली है वही कहा गया पहला इससे निष्कर्ष निकला अधिकांश कण विचलित बिना विचलित हुए बिना इधर उधर घूमे ठीक है ना विचलित हुए पतले स्वर्ण पत्र को पार कर जाता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु की अधिकतम भाग क्या भाग खाली है तो निकलता है कि परमाणु का अल्फा कण क्या होता है धनावेश होता है तथा इसका दरमान इलेक्ट्रॉन के द्रमान से अधिक होता है समझना इसलिए यह केवल धनावेश क्षेत्र से विचेपित होता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के धनावेश एक छोटे से भाग में उसके केंद्र पर केंद्रित रहता जिससे परमाणु का नाभिक कहा जाता है अब देखो इससे यह निष्कर्ष निकला कि अधिकांश कण क्या हो गया आर पर हो गया लेकिन जो नाभिक जो मेन है बीच का जो पॉइंट था वहां से अल्फा कण नहीं गुजर पाया अब गुजरा नहीं यानी कि आपसे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि एक छोटे से जो बीच में एक परमाणु नाभिक जिसको कहा गया वो इसके लिए एक ऐसा पॉइंट था जहां पे आर आल पार अल्फा कन नहीं गया इसका रीजन क्या हो सकता है क्यों ऐसा जो 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 मैं बोला गया क्योंकि ऑलरेडी अल्फा कण भी धनावेश होता है अल्फा कण क्या होता है अल्फा जो कण होता है ना वो क्या होता है धनावेश होता है और जब धनावेश कण किसी धनावेश कण के पास जाएगा तो क्या उसको जाने देगा बताओ और धनावेश और धनावेश में क्या होता है विकर्षण होता है तो भगाएगा दूर उसको तो अपने से पार होकर जाने देगा क्या है वो भी धनावेश है ये भी धनावेश है यानी कि जब अल्फा कम धनावेशित होगा और यहाँ पे पतले स्वर्ण पत्र के जो मिडिल पॉइंट है उससे जब जाने नहीं दिया तो इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है या यह समझा समझा जा सकता है कि भाई वहां पे परमाणु के केंद्र पर

अन्यथा कहीं भी इससे बिक्षेप नहीं उत्पन्न हो सकता यानी कि अल्फा कण के बारे में बताया गया अल्फा कण पहले से ही चीज बताता है कि भाई मैं धनावेश हूं और मेरा द्रव्यमान द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से से ज्यादा है और जब ज्यादा है तो हम इधर उधर घूम सकते हैं जब हमारे सामने कोई धनावेश हो इसके अलावा कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहा देखो इसलिए यह केवल धनावेश क्षेत्र से विष्पित हो सकता है अगर यह घूमेगा देखो यहाँ मुर्गिया यहाँ मुर्गिया यहाँ गया ये सब तभी उस तभी संभव है जब उसके पास कोई धनावेशित कण आया होगा क्योंकि ऑलरेडी ये समझाया गया ना इसलिए केवल ये धनावेश क्षेत्र से विषेपित होता है इसके अलावा किसी से नहीं इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु के परमाणु के धनावेश एक भाग यानी कि धनावेश एक छोटे से भाग उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है यानी कि परमाणु के टोटल जो भी परमाणु में धनावेश है उसके छोटे से भाग केंद्र पर केंद्रित रहता है तभी तो यह अल्फा कण कुछ जो अल्फा कण था हमारा विचलित हो चुका था विचलित हो गया ठीक है जिसे हम नाभिक कहते हैं जिसे परमाणु का नाभिक कहलाते हैं ठीक है नाभिक कहते हैं यह तो समझ में आ गया अगला निष्कर्ष क्या निकलता है देखो जो अल्फा कण नाभिक की ओर गति कर रहे थे वे क्या कुलम्ब के नियम के कुलम्ब के विकर्षण बल के कारण अपने पथ पर वापस लौट जाते बिल्कुल सही बात देखो ये कुलम्ब के बल क्या है आपको जस्ट बताया कि जो अल्फा कण हमारा धनावेश होता है और परमाणु के परमाणु के छोटे से भाग पर टोटल धनावेश केंद्रित रहता है ये पहले बताया मैंने देखो परमाणु के छोटे धनावेश एक छोटे भाग पर एक छोटे भाग पर उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है अब बताइए यहां भी धनावेश है भाई धनावेश है और अल्फा कण भी धनावेश है तो क्या यह जा पाएगा उसके पास नहीं तो कुलम बल के अनुसार से विकर्षित हो जाएगा दूर भाग जाएगा अपने पद पर वापस लौट जाएगा कि भाई हम पॉजिटिव भी पॉजिटिव 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 सट नहीं सकता है बिलगा देगा वही कहा गया अल्फा कण नाभिक के नाभिक की ओर गति कर रहे थे वह कुलम बल के कारण वह अपने पद पर वापस लौट जाते हैं या विचलित हो जाते ठीक है, है ना चले यह हमारा अल्फाकन प्रयोग था जो आपको पांच नंबर में पूछेगा अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट आपके सामने क्या आता है चलो नाभिक के आकार का परिकलन या रदर फोर्ड का प्रयोग के निकटतम दूरी क्या है क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम पूछ सकता है आपसे पूछेगा परमाणु के सॉरी नाभिक के आकार का परिकलन करें। जो नाभिक आकार क्या है इसका परिकलन कीजिए या आपको बताना है कि रोड के प्रयोग में निकटतम दूरी क्या है तो रॉदर फोर्ड के प्रयोग में निकटतम दूरी क्या है यह आपसे पूछेगा ठीक है ना दो क्वेश्चन हो सकता है इसी में हीरादर फोर्ड के प्रयोग में निकटतम दूरी क्या है या परमाणु का आकार का नाभिक चलिए देखो परमाणु के केंद्र से वह न्यूनतम दूरी परमाणु के जो केंद्र होता है ना जिसको नाभिक कहते याद रखना मेरे दोस्त परमाणु का जो केंद्र होता है ना जिसको नाभिक कहते जिसको चारों तरफ प्लस प्लस रहता है ठीक है ना जिसको नाभिक कहा जाता है ये नाभिक है याद रखना परमाणु के केंद्र से वह न्यूनतम दूरी वह न्यूनतम दूरी जहां तक कण जा सके रदरफोर्ड फोर्ड के प्रयोग से निकटतम यानी कि निकट न्यूनतम दूरी कहलाता है यह दूरी मुख्य रूप से नाभिक की त्रिज्या के कारण क्या का नाभिक त्रिज्या के, के बराबर है जिसका मान दिया जाता है मेरे दोस्त सिंपल बात क्या है आपसे जो समझ में आना चाहिए चीज को समझाता हूं कि परमाणु के केंद्र से वह न्यूनतम दूरी जहां तक कण जा सके जहां तक अल्फा कण जा सके मतलब देखिए जैसे कि यहां पे पॉजिटिव अगर यहाँ पे, पे केंद्र पर जाया तो भाई फिक्स है कि भाई वो भी पॉजिटिव है या अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है भाई तो यहां तक पूरा जहां तक ये जा सकता है और जहां तक जाएगा जहां तक इसके पास क्षमता है जाने की उसके बाद वो भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो वहां से ढकल भी करेगा फिर भी अपना लास्ट तक ताकत लगाएगा कि भाई कहां तक जा सकता हूं तो जहां तक जा पाएगा वही हमारा न्यूनतम दूरी कहलाता है यानी कि अल्फा कण यहाँ तक गया लास्ट फिर वापस भागना शुरू करेगा या कहीं मुड़ना मुड़ने का प्रयास करेगा या लौट जाएगा तो परमाणु के केंद्र से वह न्यूनतम दूरी यानी कि परमाणु या के केंद्र हमारा पास यह है यह हमारा परमाणु का केंद्र है वहां से वह न्यूनतम दूरी जो है न्यूनतम दूरी प्राप्त हुआ तो न्यूनतम दूरी जहां तक कण जा सकता है रदरफोर्ड के प्रयोग के निकटतम दूरी कहलाता है रदरफोर्ड के के दूरी कहलाता है और यह दूरी मुख्य रूप से नाभिक के त्रिज्या बराबर होती है आपका फॉर्मूला हो जाता है निकटतम दूरी के लिए ज्ञात करने का सूत्र अगर ज्ञात करना हो कितनी दूरी है तो आप इस, इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं ठीक है ना चलिए आप बता दो थोड़ा सा जानका जेड आपका क्या है जेड आपका परमाणु संख्या आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका विद्युत क्षेत्र है ठीक है ना इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो और वन फोर पाई का वैल्यू तो आपने कुलम बल से याद किया ही होगा ठीक है अगला पॉइंट क्या है मेरे दोस्त इसका थ्री नंबर पॉइंट है कि रॉदर फोर का परमाणु मॉडल क्या है देखिए रॉदर फोर ने एक परमाणु मॉडल दिया और यह क्वेश्चन पूछेगा परमाणु मॉडल दिया क्या दिया देखिए अल्फा कण के आधार पर रदर ने एक नए मॉडल का प्रतिपादित किया तो पहले तो अल्फा कण पर प्रयोग किया रदरफ ने तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रयोग के आधार पर एक नए मॉडल का प्रतिपादित किया जिसे हम मॉडल का प्रतिपादित किया जिसे हम नाभिकीय मॉडल कहा जाता है या इसे इस मॉडल के अनुसार जिसे नाभिकीय मॉडल या आप कह सकते हैं परमाणु मॉडल कह सकते हैं तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है समझिए इसमें कहा गया जब रदर ने सबसे पहला प्रयोग किया अल्फा कन का तो अल्फा कन प्रयोग के बाद अल्फा कन प्रयोग के आधार पर रदर फोर्ड ने एक नए प्रयोग का प्रयोग किया या नए प्रयोग का प्रतिपादित किया जिससे हम लोग क्या कह सकते हैं रदर का परमाणु मॉडल कह सकते ठीक है ना रदर का परमाणु मुडल कह सकते ठीक है एक मिनट मैंने दोस्त तो क्या कह सकते हैं रदर फोर्ट का परमाणु मोडल उसके अनुसार से बहुत बड़ा पॉइंट था बहुत सारा पॉइंट है उनके अनुसार से क्या क्या हो सकता है देखिए सबसे पहला काम हुआ कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु के एक छोटे से भाग पर केंद्र पर केंद्रित रहता है जिसे हम परमाणु का नाभिक कहते हैं मैं पहले ऑलरेडी समझा दिया क्योंकि देखो परमाणु जो होता है वह इस प्रकार से होता है और उसका टोटल धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्र पर केंद्रित रहता है और संपूर्ण द्रमान और धनावेश इसी जब अल्फा कनिष्ठ के सामने से गया वो पुनः वापस लौट आया अपने पथ पे इसी रीजन से तो वही कहा सबसे पहला प्रयोग क्या उससे अलग है लेकिन उसी आधार पर बनाया है ना उसी आधार पर बनाया इसलिए थोड़ा अलग है ये परमाणु मॉडल है ठीक ना तो क्या करो किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो भी परमाणु है उसका द्रव्यमान जो भी मास भार है और धनावेश परमाणु के एक छोटे से भाग परमाणु के एक छोटे से भाग केंद्र पर केंद्रित रहता है जिसे हम लोग परमाणु का नाभिक कहते हैं ठीक है तो पहले आप अल्फा कण में भी थोड़ा समझ में आया था पॉइंट उन्होंने बताया परमाणु मॉडल में नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है भाई छोटा इसलिए होता है कि भाई परमाणु के अंदर नाभिक होता है भाई याद रखियो परमाणु के छोटे से भाग पर केंद्र पर केंद्रित रहता है अब बताओ परमाणु बरका है उसके छोटे से भाग केंद्र पर और परमाणु का केंद्र ही नाभिक होता है तो परमाणु बड़ा होगा नाभिक छोटा होगा वही कहा गया क्या होगा नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है कम से कम टेन टू माइनस फाइव नैनोमीटर ठीक है चलो यह तीसरा थि का पॉइंट क्या है इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर नाभिक से दूर दूर होगा नाभिक से दूर नाभिक के चारों ओर चक्कर काटती है मेरे दोस्त देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना जो हमारा परमाणु यह हुआ और आपका नाभिक हुआ ठीक है है, है। ना? और और नाभिक के चारों तरफ प्लस प्लस रहता है, क्योंकि कण होता इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक से दूर नाभिक इसलिए क्योंकि नाभिक के पास नहीं आ सकता क्योंकि नाभिक के पास पॉजिटिव धनावेश होता है और धनावेश के पास इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन नावेश होता है वही कहा गया इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो से दूर चक्कर है भाई उसके पास नहीं आ सकती क्योंकि वह पॉजिटिव है इसलिए वो दूर भगा कर रखता है और उसके पास वो अपना एक बनाने लगता है चक्कर ठीक है ना फोर्थ पॉइंट क्या है मेरे दोस्त यह परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का है तो परमाणु की कुल धनावेश की संख्या ऋणावेश की संख्या के बराबर होती है अतः परमाणु उदासीन होता है भाई देखो या तो धनावेशित कण इसके केंद्र पर है और ऋणावेशित कण चारों तरफ चक्कर काट रही है इसलिए दोनों क्या है एक दूसरे से इक्वल होते हैं बराबर होते हैं इसलिए जब दोनों जुटेंगे एक साथ एक पॉजिटिव एक निगेटिव को क्या उदासीन कर देगा न्यूट्रल कर देगा इसलिए क्या होता है परमाणु हमारा उदासीन होता है अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होता है तथा इसका मान दी जाती है इसका मान क्या होता है ई बराबर इंटू माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर ठीक है ना आर जहां त्रिज्या ई आपका इलेक्ट्रॉन और ई आपका समझ में आ ही रहा ठीक है ना याद रखना इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है तथा इसका मान दी जाती है जो आपको नीचे एक फॉर्मूला के तौर पर आपको दिया गया है यह परमाणु मॉडल था इसमें टोटल पांच पॉइंट थे अगर इसको याद कर लेते हो आपको टू मार्क्स मिलेंगे और इसमें से कम से कम तीन पॉइंट लिखना पड़ेगा और इसकी कमी भी कुछ रह गया इसका कमी क्या है चलो कमी पढ़ते कमी भी पूछेगा फोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष या कमियां क्या है आपसे पूछेगा कि रादर के परमाणु मॉडल की कमी क्या है दोष क्या था दोष क्या क्या है समझिए इसको देखिए पहला पॉइंट में देखिए पहला पॉइंट थोड़ा बड़ा है यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका क्योंकि मैक्सवेल मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल के अनुसार क्या है आवेशित कण त्वरित होता है मैक्सवेल ने ऑलरेडी कहा था कि आवेशित कण त्वरित होता है जो ऊर्जा ऊर्जा बिखेरती है जो ऊर्जा बिखेरती है अर्थात देखिए मै रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया अल्फा कण प्रयोग के आधार पर तो वो क्या किया बस यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका राधर फोर्ड ने रदर्फोर्ड ने यह सब तो बता दिया कि परमाणु का एक छोटा जिसे परमाणु से छोटा होता है ये सब बात बता दिया। लेकिन वो परमाणु के नहीं समझा सका जिन्होंने ऑलरेडी पहले समझा दिया था मैक्सवेल ने और मैक्सवेल ने समझाया क्या था कि देखो क्योंकि मैक्सवेल के अनुसार आवेशित कण जो भी कण त्वरित होती है तो ऊर्जा बिखिरती है अगर आवेशित कण त्वरित होगा तो ऊर्जा को बिखरेगी मतलब फैलाएगी अर्थात कहने का मतलब है अर्थात नाभिक के चारों ओर वित्तीय पथ पर चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा बिखेरनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है ये मैक्सवेल ने कहा था कि भाई मैक्सवेल ने कहा मैक्सवेल ने क्या कहा आवेशित कण त्वरित होता है और त्वरित होने की वजह से ऊर्जा बिखेरनी चाहिए उसको ऊर्जा को बिखेरनी चाहिए अर्थात नाभिक से चार ओर जो चक्कर काट रहे क्योंकि ने बताया कि नाभिक के चार ओर उससे दूर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटती है करती है लेकिन इनमें थोड़ा सा गलती क्या हो गया मैक्सवेल ने थोड़ा अलग ही दे दिया था अर्थात नाभिक के चार ओर द्वितीय पथ मतलब रास्ता पथ पर चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा भी बिखेरनी चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई इसलिए थोड़ा थोड़ा उनका अलग हो गया इसका अलग हो गया ठीक है ऊर्जी बिखेरना बिखेरनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है सबसे पहला पॉइंट उन्होंने समझाने में असफल रहे इसलिए उनकी सबसे बड़ा दोष या सबसे बड़ा कमी आपका यह पॉइंट हो गया दूसरा का पॉइंट वो क्या हो सकता है यह नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन था उसके वितरण को नहीं समझा सका सिर्फ उन्होंने यह बताया कि नाभिक से दूर नाभिक से दूर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसके चक्कर काटते बस इतना ही ने बताया लेकिन उसके वितरण को नहीं समझा सके ठीक है ना कौन रदरफोर्ड ने और यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम लाइन को भी नहीं समझा सके यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम लाइन को भी नहीं समझा सके रादर फोर ने यह तीन उनके दोष रह गए अपने परमाणु मॉडल के अनुसार से और जो यह एग्जाम में खूब पूछेगा आपसे तो इसका पीडीएफ नोट्स भी रेडी है लेने के प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त क्योंकि आपको लेने जरूरत है सेम वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ज्यादा कुछ है नहीं आप इसके स्क्रीन ले सकते हो जो मैंने आपको समझाया सेम चीज है आप इसको नोट डाउन कर सकते ठीक है

मतलब अपने अनुसार से मोडिफाई करेगा थोड़ा सा जैसे कि बाइक होता है तो बाइक एजेंसी से आता है तो अपने लेवल से सही बनाए रहता है गलत कुछ नहीं लेकिन हमारे लगा पार्टी लोग पापा के लोग होते हैं अपना मोडिफाई कराने लगते हैं सिलेंसर बतवा देंगे भड़बरा लगा देंगे भड़भरा सिलेंसर हटवा देंगे हु, हु, आयना दोनों तरफ से खोल के फेंक देंगे मतलब उसमें से बंफर सब हटा देंगे मतलब अपना से मॉडिफाई कर बढ़िया बढ़िया बॉल लगा कर भुक चलेंगे एकदम वह क्या होता है बोर एक वैज्ञानिक का नाम है बोर ने के के जो भी मॉडल मॉडल था, तो परमाणु को मॉडिफाई करके एक नए किया। किया तो उन्होंने क्या क्या बताया अब देखो तो सबसे पहले पॉइंट बताया देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ निश्चित निश्चित कक्षा में स्थायी रूप से ऊर्जा के ऊर्जा के बिना हानि किए हुए चक्कर काटती है अब उनका अलग ही मत हो गया उनका बोर ने देखो यही होता है वैज्ञानिक सब क्या करते हैं उसका कुछ अलग सिद्धांत था इसका कुछ अलग सिद्धांत है हम लोग को पढ़ना पड़ पर रहा है भाई गलती बताया तो पढ़ना पड़ पर रहा है देखो बोर ने क्या कहा बोर ने पहले रदन फोर्ड ने क्या कहा मैं आपको बता दू रदन ने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के नाभिक से दूर नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं लेकिन यह नहीं बताया कि ऊर्जा को वो लाभ हानि बचाती है या कैसे काटती है लेकिन बोर ने यह समझाया बोर बोर ने क्या कहा नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ एक फिक्स ऊर्जा के साथ उसके पास ऊर्जा भाई इतना होना चाहिए फिक्स ऊर्जा तो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ निश्चित कक्षा में क्या कहा निश्चित कक्षा में स्थायी रूप से स्थायी मतलब फिक्स स्थायी रूप से ऊर्जा का बिना हानि बिना लॉस किए हुए चक्कर काट के जो इलेक्ट्रॉन नाभिक ओर जो चक्कर काट रही है वो निश्चित ऊर्जा के साथ निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर काट लिए और बिना लॉस बिना ऊर्जा को लॉस किया यानी कि जिसको ऊर्जा उतना दिया गया उतना ही के उतना ही रह जाएगा कभी नहीं घट सकता क्योंकि हानि हो ही नहीं रहा यह किसने कहा बोर ने कहा सेकेंड पॉइंट क्या है इलेक्ट्रॉन केवल वैसे ही कक्षा में चक्कर काटते जिसका कोणीय संवेग अब बताइए इनका कहने का मतलब हुआ अब इलेक्ट्रॉन वैसे ही कक्षा में चक्कर काटते जिसका कोणीय संवेग आपका h पाई हो और ये आपसे एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में आता है ठीक है ना याद रखना इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है याद रखना इलेक्ट्रॉन केवल वैसे ही कक्षा से चक्कर काटती है जिसका कोनीय संवेद एच अपॉन टू पाई के पूर्ण गुणज हो यह पूछेगा एच अपॉन टू पाई के पूर्ण गुणज हो वैसे ही तभी चक्कर काटती है यानी कि एच अपॉन टू पाई का जिसका कोणीय संवेग पूर्ण गुणज होगा उसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगी अन्यथा नहीं काटेगी किसने कहा बोर ने कहा फिर इसका तीसरा क्या था बोर के अनुसार से इलेक्ट्रॉन उत्तम उत्तम ऊर्जा वाले कक्षा के कक्षा से न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षा में फोटोन के रूप में फोटोन के रूप में ऊर्जा के बिखेरती हुई ऊर्जा को बिखेरती हुई कूदता करता है क्या कूदता है जिसे फोटोन का ऊर्जा दी जाती है और फोटोन की ऊर्जा एच बराबर आई पी आई सॉरी माइनस ईपी होता है यह फोटोन की ऊर्जा आपसे पूछता है एग्जाम में तो मेरे दोस्त आपको बता दे एक चीज और यहाँ पे थ्री थ्री नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता फोटोन न्यूट्रल होता है और यहाँ पे फोटोन का ऊर्जा जो होता है ऊर्जा एच होता है फोटोन की ऊर्जा एच होता है और लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं याद रखना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन उच्चतम उच्चतम मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा से न्यूनतम ऊर्जा वाले उच्चतम ऊर्जा से न्यूनतम ऊपर से नीचे सीधा उच्चतम ऊर्जा वाले कक्षा से न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षा फोटोन के रूप में किसके फोटोन के, के रूप में ऊर्जा के विखेरती ऊर्जा को फैलाती हुई जंप कर जाती है कूद जाती है ठीक है ना और फोटोन की ऊर्जा जो होता है एच भी होता है याद रख एच बी और इसको आप लिख सकते हैं आई ई माइनस आईपी ईपी ठीक है ना इपी उच्चतम ऊर्जा से न्यूनतम ऊर्जा और फोटोन की ऊर्जा एच बी होता है या याद रखिएगा यह या बोर ने तीन पॉइंट दिया था और इसको याद रखिएगा और इसका भी कुछ कमी रह गया होगा अब देखो यह बोर्ड का जो आपका इंग्लिश मीडियम से वाला है, ठीक है ना इसका ले सकते हो हो मेरे दोस्त गया चलो हाँ देखो परमाणु मॉडल बोर के परमाणु मॉडल की दोष क्या रह गया मतलब देखो जितना हर कोई कुछ ना कुछ बनाता उसमें कुछ ना कुछ औ दोष से रह जाता है जैसे कि इसका भी कुछ ना कुछ दोष हो गया कुछ ना कुछ बुराइया हो गया कुछ ना कुछ कमी हो गया दोष मतलब कमी कह सकते हो ठीक है ना कमी ही है उसमें कमी क्या रह गया समझा समझा यह यह साधारण परमाणु परमाणु के के स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम को नहीं सका सिंपल जो के स्पेक्ट्रम था उसको नहीं समझा सका कौन बोर ने फिर दूसरा का पॉइंट क्या कहता है यह परमाणु के भीतर परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के वितरण तथा उसकी सूचना नहीं दे सका यानी कि परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन के वितरण फैला हुआ था और उसकी कोई सूचना नहीं दे सका बोर ने उनकी कमी था हाँ थर्ड पॉइंट है यह केवल घंटा नहीं घटना को नहीं समझा सका मतलब बोर ने यह भी एक कमी रख दिया कि एक स्पेक्ट्रम लाइन को अनेक स्पेक्ट्रम लाइट में टूटने की जो घटना है उसको भी नहीं समझा सका ठीक है फोर्थ पॉइंट है यह इलेक्ट्रॉन के तरंग प्राकृति को नहीं समझा सके और यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्राकृति को भी नहीं समझा सके बोर्ड में जब इसके लिए चार पॉइंट उनकी कमी थी और यह कमी में से आपको दो पॉइंट पूछेगा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है एक किरण के उपयोग को लिखें क्स किरण का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है तो एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जा सकता है यह क्वेश्चन दो हजार तेरह दो हजार सोलह के एग्जाम पूछा गया है चिकित्सा विज्ञान आपने एक्सरे समझा सुना होगा एक्सरे इसके लिए एक्सरेक्स किरण का उपयोग करके ही होता है एक्सरे आपने सुना होगा तो एक्सकिरण का उपयोग एक्सरे देखो यहाँ पे एक्सरे वही इंग्लिश में होता है एक्सरे हम लोग बोलते हैं कोई नहीं बोलेगा एक्सरे बोलेगा ठीक है याद रखना एक्सकिरण का उपयोग चिकित्सक विज्ञान यानी कि डॉक्टर चिकित्सा मतलब होता है मेडिकल क्षेत्र में ठीक है ना तो यहाँ पर देखियो मेडिकल साइंस मेडिकल जानते हो मेडिकल साइंस ठीक है ना तो मेडिकल साइंस में यानी कि चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है दूसरा का पॉइंट है किरण द्वारा क्रिस्टलों और उसके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की कक्षाओं की जानकारी मिलती है यानी कि किरण के द्वारा क्या मिलता है क्रिस्टल जो ठोस होता है क्रिस्टल की और उसके इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की जानकारी मिलता है एक्स किरण के द्वारा ठीक है यह दो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरण के किन्हीं दो गुणों को लिखे भाई यही तो था एक को उप... अच्छा ये है अग गुण है वो उपयोग था यह गुण यह गुण क्या है इसमें दो गुण क्या है मैं आपको तीन गुण लिख के दिखाता हूं एक के गुण क्या है समझ गए ये क्वेश्चन उन्नीस देख सकते उन्नीस सौ नवासी फिर आपको दो हजार तेरह दो हजार सत्रह के एग्जाम में पूछा गया है सबसे पहले एक्सकिन का गुण क्या है एक किरण एक्सियन का जो गुण है वे एक वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है जो प्रकाश का जो वेग होता है उतना ही वेग हमारा किरण का भी होता है ओ माई गॉड एक मिनट मेरे दोस्त क्योंकि ना किताब रहा है पानी से इसलिए से यहां से किताब को हटा देगा ठीक है चलो सॉरी गाइस पानी रखा हुआ था और ठंडा पानी था इसलिए पानी गिर रहा था बुक चलो, तो मैंने क्या कहा एक हाँ, एक का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है या उसका गुण कहता है सेकेंड है एक किरण विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र से विषेपित नहीं होता है एक किरण को चलने के लिए चाहे विद्युत क्षेत्र चाहे चुंबक क्षेत्र कोई फर्क नहीं पड़ता है थर्ड पॉइंट क्या है एक किरण निर्वात में प्रकाश या निर्वात में सरल रेखा में गमन करता है चाहे प्रकाश भी सरल रेखा में गमन करता है उसी प्रकार से एक भी निर्वात में जहां पे कुछ भी नहीं हो वो सरल रेखा में गमन करता है ये तीन पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है एक का उपयोग अगला देखिए मेरे दोस्त अगला हमारा पॉइंट है लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग को लिखा लेजर प्रकाश के गुण क्या है उपयोग लेजर लाइट आपने सुना होगा लेजर लाइट बचपन में लेते थे और सबके आंख में बांटते थे ना लेवाते थे वही हमारा लेजर प्रकाश एक वर्णीय होता है एक वर्ण में होता है लेजर प्रकाश काला संबंध होता है अति काला संबंध होता है यानी कि वो किसी से मतलब नहीं वो जहां पे जाएगा सीधा जाएगा उसके बाद अति दिशात्मक होता है एक दिशा में जाता है देखना कोई कोई लाइट जब बॉल मारे तो चारों तरफ फैल जाएगा animals, लेजर प्रकाश अति दिशात्मक एक ही दिशा में चलता है और पतला सा चलता है ठीक है ना यह तीन पॉइंट है लेजर प्रकाश के गुण क्या है यह एक वर्णीय होता है यह काला संबंध होता है यह अति दिशात्मक होता है इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं तो हीरा में छोटे छिद्र करने के लिए हम लोग लेजर प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं साथ में हम लोग चिकित्सा विज्ञान में लेजर लाइट का उपयोग करके लेजर लाइट का उपयोग करके हम लोग शरीर को देखने का प्रयास करते हैं यह अब इसके लिए लेजर प्रकाश के गुण उपयोग था और क्वेश्चन देखो कितना बार पूछा गया दो हजार ग्यारह दो हजार तेरह दो हजार पंद्रह के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया अगला क्वेश्चन आपको है बोर की स्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं अगला क्वेश्चन है कि बोर बोर ने अभी बोर का मॉडल बोर मॉडल आपने समझाया आपको मैंने बोर्ड के कमी भी बताए लेकिन अगर बोर्ड के स्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं बोर्ड के स्थायी कक्षा क्या है बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है ने कहा के अनुसार अनुसार क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिकार्वतीय कक्षा में कक्षा मतलब पथ रास्ता द्वितीय पथ में गोल ठीक है ना गोल वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होता है चक्कर काटती ठीक है ना इस कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा

अगला क्वेश्चन आपसे है परमाणु के बोर मॉडल के दो कमियां लिखे जस्ट बताया मैंने यह साधारण परमाणु स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका यह परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का वितरण तथा उसकी कोई सूचना नहीं दे सका साथ में यह इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को नहीं समझा सका यह क्वेश्चन मैंने जस्ट पढ़ाया इसी लेक्चर में शायद डबल हो गया कोई दिक्कत नहीं है अगला क्वेश्चन शायद यहीं पर खत्म होता है मेरे दोस्त ठीक है ना तो हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर बारह एटम यानी कि परमाणु इसमें टोटल आपको ग्यारह क्वेश्चन था और यह क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन था पूरे बुक पूरा निचोड़ था इससे पर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है अगला चैप्टर आपको आता है नाभिक जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे नाभिक आई मीन न्यूक्लियस जो आपको काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें और मजा आएगा पढ़ने में थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो का